स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं हायर मैथमेटिक्स के लिए, जो बीएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेम या और भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट यहां पे मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं लेबनीज थ्योरम, जिसके अंदर मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस और कराना चाह रहा था, क्योंकि वहां पर मैंने 2 से 3 क्वेश्चन कराए और मुझे लगता है कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, सो वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। और स्टूडेंट यहां पे मेरा जो आईटीएब आ रहा है, यहां पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे मैंने वीडियोस अपलोड किया, जैसे nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लेबनीज थ्योरम पे मैंने क्वेश्चंस लिए, तो यहां पे आईटीएब पे जाके आप मेरे वो वीडियोस भी देख सकते हैं। स्टूडेंट मैंने बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है, जहां पे पूरा सिलेबस में कर चुका हूं और कुछ टॉपिक्स बाकी हैं वो धीरे धीरे मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं, तो वो भी वीडियोस यहां पे आईटीएब पे जाके आप देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, लेबनीज थ्योरम जो पार्ट टू में कुछ क्वेश्चंस में और बचे हुए ले रहा हूं। हम जानते हैं लेबनीज थ्योरम क्या होती है, डी एन यू वी इज इक्वल टू डी एन ऑफ वी, और यहां पे यू को छोड़ेंगे, प्लस एन सी वन, एक बार इसका डिफरेंशन लाइक एन माइनस वन यू वी होगा, देन डिफरेंशन ऑफ यू प्लस लाइक मतलब क्या होगा कि ये डी एन वी है, तो फिर एक एक बार कम होता जाएगा और इस यू का डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा और एन सी वन एन सी टू इस तरह से हमारे पास आता रहेगा, क्लियर है। तो ये हमारी लेबनीज थ्योरम होती है। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए आप, क्योंकि वो समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, क्योंकि कनेक्टेड है, क्लियर है। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये भी बहुत अच्छा समझ में आए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। सो ये देखिए आप y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x है, तो आपको ये प्रूव करना है, उसके बाद फिर आपको ये भी प्रूव करना है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप, ये हमें दे रखा है, सो y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो y1 इज इक्वल टू a cos का होगा यहां पे डिफरेंशिएशन माइनस का sin log x, और log x का होगा 1 अपॉन x प्लस b इसका होगा cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x। अब क्या करते हैं, ये जो x आ रहा है इसको अदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, x y1 इज इक्वल टू माइनस का a sin log x प्लस b cos log x, क्लियर है जी। अब हमें यहाँ पे चूंकि रिलेशन में y2 तक मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको डिफरेंशिएट करना है, तो हम दोनों तरफ एक बार वापस डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं यहाँ d लगा देता हूँ, है ना, और यहाँ भी हम क्या करते हैं एक और बार d लगा देते हैं, मतलब डेरिवेटिव लगा देते हैं, क्लियर है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u into v से होगा, ये क्या करेंगे, x का हमने छोड़ा और y1 का डिफरेंशिएट किया तो y2 आएगा, फिर इस x को यहाँ पे किया डिफरेंशिएट तो 1 आएगा, बचा कितना यहाँ पे y1, है ना, u into v से हम जानते हैं यार u into v से लाइक ना, x को छोड़ा इसका करेंगे y1 का तो y2 हो जाएगा, प्लस इस x का करेंगे तो 1, y1 y as it is रहेगा, इस तरह से यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे माइनस का a, साइन का होगा यहाँ पे कितना cos log x, और log x का स्टूडेंट होता है 1 upon x, फिर cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का b, ये आएगा साइन log x, और log x होगा 1 upon x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे x, यानी ये x यहाँ रहा x आ रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये x यहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा x y2 प्लस y1 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, इस माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा आपके पास a cos log x प्लस b sin log x, और स्टूडेंट ये जो वैल्यू आ रही है किसके बराबर आ रही है हमारे पास y के बराबर, तो इसको हम y रख देंगे यहाँ पे, है ना, और ये x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस का y, इस y को इधर ले आइए आप, तो हमारे पास जो प्रूफ आ जाएगा वो ये आ जाएगा, है ना, क्या आएगा देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और ये टर्म उधर जाएगी माइनस का वन, तो क्या आ जाएगा प्लस का वाई इज इक्वल टू जीरो, और आपको यही प्रूव करना है, देखिए आप एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आपको ये सेकंड वाला रिलेशन प्रूव करना है ना, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, हम अप्लाई लेबनीज थ्योरम एंड फाइंड एंड डिफरेंशिएट एन टाइम्स, है ना, तो वही अप्लाई लेबनीज थ्योरम, तो हम एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे डी एन ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस डी एन एक्स वाई वन प्लस डी एन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे यू इन टू वी से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, वही नॉट यू इन टू वी लाइक लेबनीज थ्योरम लगाएंगे हम, है ना, तो क्या होगा देखो ये होगा डी एन ऑफ
वाई टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर एन सी वन क्या है यहां पर डी एन माइनस वन वाई टू है ना, फिर क्या आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक बार इसका हो जाएगा ना एक्स, यहां आएगा एन सी टू, यह आएगा डी एन माइनस टू वाई टू, नाउ एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहां पे है ना। अब इसका करेंगे हम ठीक है प्लस है ना, इसका करेंगे तो क्या आएगा देखो यहां पे मैं इसको करता हूं यहां पे तो यह आएगा डी एन वाई वन पे ले लेते हैं एक्स को छोड़ा, फिर यह आएगा एन सी वन, यह आएगा डी एन माइनस वन वाई वन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, दो बार ही हो क्योंकि अगली बार में तो जीरो हो जाएगा मतलब ही नहीं है, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा चलो इसको एज इट इज रख दीजिए आप, फिर अगले टर्म में हम करेंगे ये हमने एज इट इज रख दिया क्लियर है। देखो इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन हुआ ये हुआ, इस टर्म का ये हुआ यहाँ तक क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एन और टू हो जाएगा तो यहाँ में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे एन सी वन एन होता है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स, तो ये आएगा टू एक्स और ये एन हो जाएगा, इसका दोनों ऐड करेंगे तो ये आएगा वाई एन प्लस वन, नाउ इसका डिफरेंशिएशन टू होगा और यहाँ पे ये टू लिख दीजिए और ये आएगा एन इंटू एन माइनस वन, वन इंटू टू इसकी वैल्यू होती है ना, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी वाई एन। इसी टाइप से यहाँ पे हम देखेंगे है ना ये वाले टर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो एन और वन ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स तो एज इट इज है, ये आएगा वाई एन प्लस वन, इस टाइप से यहाँ पे एन सी वन एन आता है ना और ये इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा वाई एन, और स्टूडेंट्स का डिफरेंशिएशन वन होगा तो मतलब ही नहीं है। इसी टाइप से ये भी क्या आ जाएगा आपके पास वाई एन इज इक्वल टू जीरो है ना, ये वाई एन आ जाएगा ओके। नाउ देखिए यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस स्टूडेंट ये एन प्लस वन टर्म है, ये एन प्लस वन टर्म है, यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन दिख रहा है यहाँ पे एक्स वाई एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन आ गया है ना। नाउ ये टू से ये टू कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे वाई एन यहाँ पे वाई एन यहाँ भी वाई एन, तो हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन प्लस वन वाई एन कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन प्लस वन ठीक है, तो ये एन से एन क्या हो गया कैंसिल, देन ये आएगा हमारे पास वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं प्रूव करते हैं, बिल्कुल यही आपको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ फिर इसको फिनिश करते हैं ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, इफ कॉस इनवर्स वाई बाई बी इज इक्वल टू लॉग एक्स बाय एन पावर एन, तो आपको ये प्रूव करना है देन उसके बाद ये प्रूव करना है क्लियर है। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये दे रखा आपके सामने कॉस इनवर्स वाई बाय बी लॉग एक्स बाय एन पावर एन, हम क्या करेंगे सबसे पहले कॉस को उधर ले जाइए आप, सो वाई बाय बी और ये जो पावर है इसको भी आगे ले लीजिए थोड़ा अच्छा रहेगा, तो कॉस तो उधर गया और पावर इधर ले ली तो ये आएगा एन लॉग एक्स बाय एन ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा ठीक है जी। नाउ इस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई इज इक्वल टू बी कॉस एन लॉग एक्स बाय एन ठीक है जी, ये आपके पास टर्म आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे भाई डिफरेंशिएट करो है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा वाई वन, सबसे पहले बी कॉस का करेंगे तो कितना आएगा साइन एन लॉग एक्स बाय एन आएगा ठीक है। नाउ अब इसका करेंगे तो देखो यहाँ पे एन लॉग तो ये आएगा एन लॉग का होगा वन अपॉन एक्स बाय एन, फिर एक्स बाय एन का होगा वन बाय एन ठीक है, ये टर्म आएगी। देखो हमने क्या करा एन एज इट इज आएगा, लॉग का होगा वन अपॉन एक्स बाय एन, एक्स बाय एन का होगा वन बाय एन, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है एन से एन कैंसिल और ये एन ऊपर गया तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, तो पहले मैं ले लेता हूँ वाई वन इज इक्वल टू, देखो ये एन ऊपर गया तो ये आएगा बी एन है ना, और ये नीचे एक्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आता हूँ है ना, ये जो एक्स है ये मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ ले आता हूँ ठीक है ना, तो ये आएगा बी और ये एन या एन बी क्या आएगा यहाँ पे साइन एन लॉग एक्स बाय एन ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे है ना, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिए, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा देता हूँ, एक्स वाई वन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ये आएगा एन बी साइन एन लॉग क्या आएगा यहाँ पे एक्स बाय एन ठीक है ना। हम क्या करेंगे देखो यून टू बी से करेंगे, सबसे पहले एक्स को छोड़ा वाई वन का किया तो वाई टू, फिर इस एक्स का किया तो वन वाई वन एज इट इज रह जाएगा है ना, समझ में आ गया होगा यून टू बी से है ना, क्या करेंगे एक्स को छोड़ा वाई वन किया तो वाई टू प्लस अभी से एक्स का किया वन तो वाई वन बचा ना, इधर देखिए यहाँ पे एन बी एज इट इज रहेगा, कॉस का होगा क्या होगा साइन सॉरी साइन का होगा हमारे पास कॉस, और यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव था वो क्या था देखो ये कॉस था तो कॉस का होगा माइनस का साइन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया प्लीज माफ करिएगा, ये माइनस आएगा क्योंकि कॉस का होगा माइनस का साइन है ना, तो माइनस आएगा तो ये माइनस यहाँ बाहर रहने दीजिए माइनस बाहर रहने दीजिए है ना, ये आएगा कॉस एन लॉग
एक्स बाय एन, ठीक है। और यहां पे इसका जो डेरिवेटिव होगा, अब देखो इसका होगा तो ये आएगा एन लॉग का होगा वन अपॉन एक्स बाय एन, और एक्स बाय एन का होगा वन बाय एन, क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, ये एन से एन क्या हो गया कैंसिल, ये एन ऊपर गया और ये जो एक्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिया आएगा एक्स एक्स वाई टू प्लस वाई वन, और ये जो एन है ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा माइनस का एन स्क्वायर बी कॉस एन लॉग एक्स बाय एन, ठीक है। अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पे इस बी को अंदर रहने दीजिए, अब हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू है, देखो आप इसकी जो वैल्यू, ये किसके बराबर है, देखो आप ये यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ देखो आप है ना, तो ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर, वाई के बराबर है, इसको हम वाई के बराबर देंगे और ये एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई आएगा, इधर ले लीजिए आप इसको, तो यहाँ पे आएगी टर्म हमारे पास, ये इसको मैं इम्प्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, और बिल्कुल आपको यही प्रूव करना था, देखिए आप है ना, एक्स वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई लेबनीज थ्योरम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अप्लाई लेबनीज, क्योंकि हम इसका एन टाइम डेरिवेटिव करना है तो अप्लाई लेबनीज थ्योरम करेंगे, तो यहाँ आएगा आपके पास डी एन एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस डी एन एक्स वाई वन प्लस डी एन एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो डी एन करेंगे तो वही क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मैं डी एन लगाता हूँ किसके पर, वाई टू, देन एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये आएगा एन सी वन, देन यहाँ क्या होगा डी एन माइनस वन ऑफ वाई टू, फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर का, फिर यह आएगा यहाँ पे एन सी टू है ना, फिर यहाँ लिखेंगे डी एन माइनस टू ऑफ वाई टू, और ये आएगा डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि अब अगले टर्म में तो ऐसे जीरो हो जाएगा तो मतलब नहीं है, है ना। नाउ अब इसको करेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, देखिए यहाँ पे डी एन ऑफ वाई वन है ना, और ये एक्स एज इट इज प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन ऑफ वाई वन, ठीक है, और ये आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, मैंने इस पर लगा रहा हूँ थ्योरम है ना, तो क्या आएगा ये डी एन ऑफ वाई वन एक्स प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन ऑफ वाई वन है ना डी एक्स प्लस, यहाँ पे ये एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एन ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब लगाएंगे हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये एन और टू ऐड हो जाएगा तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस एन सी वन वन होता है एन होता है और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन होगा टू एक्स, तो ये आएगा टू एक्स एन और ये दोनों ऐड होंगे तो ये आएगा वाई एन प्लस वन। नाउ एन सी टू और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन टू एक्स और टू होगा तो टू तो हम यहाँ लिख देते हैं और ये आएगा एन इंटू एन माइनस वन, नीचे आएगा वन इंटू टू और इसका इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वाई एन प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स ये एन प्लस वन होगा वाई एन प्लस वन, ठीक है ना। नाउ एन सी वन कितना आता है एन और इसमें इसका डिफरेंशन तो वन ही हो रहा है और ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी वाई एन प्लस एन स्क्वायर, ये आएगा वाई एन इज इक्वल टू जीरो। नाउ क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, यहाँ एन प्लस वन आ रहा है यहाँ एन प्लस वन आ रहा है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो यह वही सेम क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे टू एक्स कॉमन आ रहा है तो ये आएगा आपके पास टू एन प्लस वन, एक्स कॉमन ले लिया वाई एन प्लस वन, यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया, देखो ये वाई एन और ये वाई एन दोनों को एक साथ लिखेंगे हम तो यहाँ से क्या आएगा, ये एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू जीरो, ये एन से एन कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू देन टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस ये आएगा आपके पास टू एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो, और बिल्कुल हमारे पास यही प्रूव करना था एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन टू एन स्क्वायर वाई एन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं, स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा, पिछले क्वेश्चन में तो क्या दे रखा था, अगर सेकंड ऑर्डर का भी दे रखा था रिलेशन देन उसके बाद हमने ये प्रूव किया था, पर अगर आपको चेक करना होगी सेकंड ऑर्डर का क्या आएगा तो जहां पर एन वहां जीरो रख दो, तो जब एन को जीरो रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस यहाँ एन को जीरो रखोगे तो आएगा एक्स वाई वन और यहाँ पे एन को जीरो रखोगे तो आएगा माइनस का एम स्क्वायर y इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको प्रूव करना है, फिर उसके बाद हम इस पर लेबनीज लगाएंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो आप उसको m की n की जगह जीरो रख के आप कर सकते हो, है ना। सो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप सॉल्यूशन में, सबसे पहले जो रिलेशन दे रखा है इसको थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं, है ना। क्या आएगा, ये आएगा तो इसको आएगा वन अपॉन वाई वन बाय एम इज इक्वल टू टू एक्स, मैंने क्या करा वन अपॉन कर दिया। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे या इसका एलसीएम लेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा वाई वन बाय एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा प्लस और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आएगा टू एक्स वाई वन बाय एम। अरे भाई इसका एलसीएम लिया
है ना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। okay? इसको उधर ले लीजिए आप, क्या है यहाँ पे y 1 बाय m का स्क्वायर माइनस 2xy 1 बाय m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो स्टूडेंट यहाँ पे y 1 बाय m में आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं हम, याद है आपको, है ना, y 1 बाय m इज इक्वल टू माइनस का b, तो b यहाँ पे कितना है 2x प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, याद है, तो b करेगा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4, a और c 1 है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2, है ना, 2a, क्लियर है। अरे भाई माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2x है, c की वैल्यू 1 है ना। नाउ 2 कॉमन निकाल दीजिए, मैं इस टर्म को इधर ले लेता हूँ, y 1 बाय m इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालेंगे तो आएगा x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ 4 कॉमन निकाला तो 2 हो जाएगा, 2 कॉमन निकल कैंसिल हुआ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको दोनों तरफ पावर m कर दीजिए, दोनों तरफ पावर m करेंगे मतलब यहाँ पे पावर m करेंगे तो m से m कैंसिल तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पावर m करेंगे तो आएगा एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट पावर m। मैंने दोनों तरफ पावर m कर दिया है ना, तो इधर पावर m करेंगे इधर पावर m करेंगे तो m से m कैंसिल, ये पावर m हो जाएगा, क्लियर। नाउ अब हमें ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे आएगा y1, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो m आगे आएगा, है ना, क्या है यहाँ पे x प्लस माइनस, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एम माइनस 1, फिर इसका करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस माइनस, इसका आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका हो जाएगा 2x, है ना, क्लियर। ये 2 से 2 कैंसिल, देन इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास y1, दिस इज y1, राइट। नाउ m क्या आएगा यहाँ पे x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर m माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस x, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, क्लियर है। और स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको कॉमन ले भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही बनेगा अल्टीमेटली, प्लस माइनस माइनस प्लस आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एम, क्या आएगा एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एम हो जाएगा, पावर एड हो जाएगी इसके साथ, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो चलो मैं इसको यहीं स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, है ना, और यहाँ पे देखो ये टर्म जो आ रही है किसके बराबर आ रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो इसके बराबर आ रही है, वाई है ना, ये वाई आ रहा, तो मैं इसकी जगह वाई लिख दूँ पहले, फिर बाद में स्क्वायर करूँगा, है ना, ये वाई वन है, ओके। सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 1 इज इक्वल टू एम वाई हो जाएगा ये, ओके। अब दोनों तरफ इसका क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास एम स्क्वायर बाय स्क्वायर, राइट। अगेन क्या करेंगे, एक बार क्योंकि हमें वाई 2 निकालना था, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये आएगा 2 वाई 1 वाई 2, है ना, प्लस अब देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आएगा 2x और ये वाई 1 स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2 वाई 1 और ये वाई 1 का हो गया वाई 2। इसको उधर ले लीजिए या 2 वाई 1 यहाँ कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, चलो एक बार इधर ले लेते हैं, है ना, या चलो ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 वाई 1 वाई 2 प्लस 2x वाई 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 2 वाई 1 वाई 2 इज इक्वल टू 0। देखो 2 वाई 1 यहाँ पे कॉमन निकल रहा है और कॉमन निकल के कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो यहाँ बच रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वाई 2 प्लस यहाँ पे 2 वाई 1 निकाला तो ये आएगा एक्स वाई 1, है ना, माइनस यहाँ आएगा एम स्क्वायर, यहाँ पे एक्चुअली ये वाई 2 आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, ये एम स्क्वायर वाई आएगा और ये वाई 1 आएगा, ओके, 2 वाई वाई 1, है ना, 2 वाई वाई 1, ओके। सो यहाँ पे y1 2 y1 कॉमन निकल रहा था, एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, बिल्कुल यही आपको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। नाउ अब अप्लाई यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, अप्लाई लेबनीज थ्योरम, तो लेबनीज थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे डी एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 2 प्लस डी एन एक्स वाई 1 प्लस एम स्क्वायर डी एन वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट बार बार मैं एक ज्ञान आपको दे रहा हूँ, सो ये एक्स स्क्वायर इस पर डी एन लगेगा, है ना, डी एन वाई 2 प्लस यहाँ लिखेंगे एन सी 1, इस पर एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा ये डी एन माइनस 1 वाई 2
फिर यहाँ आएगा आपके पास एन सी टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे क्या आएगा डी एन माइनस टू वाई टू। नाउ इसका करेंगे हम, तो देखो इसका कैसे करेंगे, वही सेम क्या करेंगे, x को छोड़ा डी एन वाई वन, फिर x का डिफरेंशिएशन एक बार होगा, फिर ये आएगा डी एन माइनस वन वाई वन प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा ये एम स्क्वायर डी एन वाई एज इट इज रहने दीजिए इज इक्वल टू जीरो। नाउ देखिए आप ये कितना आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई एन प्लस टू, एन सी वन की वैल्यू एन होती है ना, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आएगा ये टू एक्स और ये आएगा वाई एन प्लस वन, दोनों को ऐड करेंगे प्लस यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा टू एक्स फिर टू हो जाएगा और ये आएगा एन इंटू एन माइनस वन वन इंटू टू, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे तो एन जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा यहाँ पे वाई एन हो जाएगा ना। इसको भी देख लीजिए आप सातों हाथ क्या रहा, देखो यहाँ पे ये x और ये होगा y n प्लस वन, देन यहाँ पे क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन वन और ये आएगा y n, और यहाँ पे भी आएगा माइनस का m स्क्वायर y n इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, देखो n प्लस वन की टर्म यहाँ आ रही है और n प्लस वन की टर्म यहाँ आ रही है तो वही x कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे टू एन प्लस वन x कॉमन ले लिया वाई एन प्लस वन प्लस ये टू से टू कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, देखो एक टर्म ये आ रही है आपके पास यहाँ पे वाई एन है ना, तो वाई एन आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा देखो एक्चुअली हमें मैं लिखना भूल गया, ये एन सी बनाएगा यहाँ पे ना, एन सी बनाएगा तो यहाँ पे टर्म एन आएगी, ओह सॉरी यहाँ आएगा एन है ना, ये वाई एन हो जाएगा यहाँ पे एन सी बनाएगा एन आएगा ठीक है। तो इन दोनों को टर्म को लेंगे हम कॉमन, तो आएगा एन स्क्वायर माइनस एन वो प्लस एन आएगा है ना, और प्लस क्या आएगा माइनस का एम स्क्वायर भी आएगा वाई एन इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, यहाँ पे एन से एन कैंसिल हो गया तो प्लस आएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो एक बार आप नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल यही आपको प्रूव करना था। देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई एन प्लस टू टू एन प्लस वन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन। क्लियर? तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो टॉपिक है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो, वो भी लेबनीज थ्योरम पे बेस्ड ही है, पर वहाँ पे पर्टिकुलर जो nth डेरिवेटिव होता है उसकी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू पूछी जाती है तो वो कैसे निकालते हैं, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, उस पर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैक्लॉरिन और टेलर पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और मेरा कंटेंट आपको अगर हेल्प करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें सो देट कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पे जो लास्ट में दोनों वीडियो आ रहे हैं इन प्लेलिस्ट को आप मेरे देख सकते हैं और यहाँ पे जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।